नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केलकर है। मैं पेशे से साइकियाट्रिस्ट हूँ, मनोरुग्ण तज्ञ, मनोविकास तज्ञ हूँ। आज मैं आपको डिप्रेशन के बारे में, मतलब नैराश्य या उदासीनता के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे ही आप जानते हैं कि नैराश्य मतलब डिप्रेशन या उदासीनता आजकल बहुत ही ज्यादा प्रमाण में, बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी में बढ़ते जा रहा है। ऐसा बोलते हैं, ऐसे स्टैटिस्टिक्स के अनुसार हर 5 या 6 लोगों में करीब करीब एक व्यक्ति को डिप्रेशन हो रहा है। एस्पेशली जो फीमेल्स है, मिडल एजेड हाउसवाइफ्स है, उनमें डिप्रेशन की मात्रा बढ़ रही है। तो ये डिप्रेशन होता क्यों है? सबसे ज्यादा सवाल हम लोगों को, ये साइकेट्रिस्ट को ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डिप्रेशन क्यों होता है। तो बेसिकली डिप्रेशन के कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे कि सीरोटोनिन की संख्या कम हो जाना, उसके वजह से डिप्रेशन होता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन ये दो क्लासेस के होते हैं, एंडोजीनियस और एक दूसरा डिप्रेशन। एंडोजीनियस मतलब जिसका कोई कारण नहीं है, वो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से डिप्रेशन होता है। और दूसरा है ड्यू टू स्ट्रेसर्स, जैसे झगड़ा होना, पति का या पत्नी का मर जाना, किसी की डेथ होना, कोई फाइनेंशियल मतलब आर्थिक नुकसान होना, कोई बड़ा सदमा पहुंचना, इस कारणवश डिप्रेशन होता है। बहुत सारे लोगों में डिप्रेशन ये अनुवांशिक मतलब जेनेटिक भी होता है। तो डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट डिप्रेशन के सिम्टम्स है काम में मन न लगना, उदासीनता, नैराश्य लगना, ऐसा लगना कि मैं कुछ काम नहीं करूं, घर छोड़ के चले जाऊं, या कहीं अकेले में बैठे रहूं, कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं लगता, जो चीज में इंटरेस्ट है वो चीज में इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होते जाता है, आत्महत्या के विचार आना, अलग अलग शौक करने लगना, काम पे न जाना, चिड़चिड़पना करना, ऐसा लगना कि मेरी जिंदगी बेकार हो गई है, भूख कम लगना, नींद कम लगना, सुबह जल्दी उठ जाना नींद से, कोई चीज में इंटरेस्ट न लगना, इत्यादि अलग अलग कारण है डिप्रेशन के। डिप्रेशन का डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? अभी तक कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है, कोई भी ऐसा इन्वेस्टिगेशन नहीं है जिससे डिप्रेशन का हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। फिर भी क्लिनिकली मतलब लक्षण जो हमें दिखते हैं उसके वजह से उसके ऊपर हम डिप्रेशन का डायग्नोसिस कर सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि डिप्रेशन को ट्रीटमेंट देना। अगर डिप्रेशन का ट्रीटमेंट दिया नहीं तो पेशेंट को लगने लगता है कि मेरी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है, और उसके वजह से पेशेंट कोई स्टेप्स उठाने लगता है, जैसे आत्महत्या के विचार आते हैं तो पेशेंट आत्महत्या कर सकता है, या घर छोड़कर चला जा सकता है, या किसी को मार सकता है। ऐसे लक्षण भी डिप्रेशन में देखे जा सकते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिप्रेशन हुआ तो साइकेट्रिस्ट के पास जाना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते नहीं है क्योंकि साइकेट्रिस्ट के पास जाना ये टैबू है, तो वो ढोंगी बाबा के पास जाते हैं या और कोई डॉक्टरों के पास जाते हैं जो ये विषय में तज्ञ नहीं है और उसका ट्रीटमेंट वो कर सकते नहीं। तो इसलिए साइकेट्रिस्ट के पास जाना बहुत ही जरूरी है। अब साइकेट्रिस्ट मतलब हम लोग जो इसमें एक्सपर्ट है वो क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम डिप्रेशन को डायग्नोस करते हैं, उसके बाद हम डिप्रेशन को 3 प्रकार ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिसिन। ऐसे बहुत सारे मेडिसिन उपलब्ध है मार्केट में जो साइकियाट्रिस्ट लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं एंटी डिप्रेशंस। अलग अलग प्रकार के एंटी डिप्रेशंस है, जैसे SSRIs, TCAs, ऐसे एंटी डिप्रेशंस हम दे के पेशेंट को अच्छा कर सकते हैं। करीब करीब 6 से 9 महीना या 1 साल तक भी दवाइयां लेना पड़ सकता है। दूसरा है काउंसलिंग। अलग अलग प्रकार की थेरेपीज निकली है, जैसे CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, REBT, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, साइकोथेरेपी, ऐसे अलग अलग प्रकार की थेरेपीज निकली है जिसके हम अलग अलग प्रकार के सेशंस करते हैं। उसके वजह से सेशन करके हम पेशेंट के जो थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स है और कॉग्निशन है मतलब विचार सरणी है, वो पूरी तरह बदल के पेशेंट को हम ठीक कर सकते हैं। इसके ऊपर जो आखिरी की ट्रीटमेंट है वो ECT मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी,
जिसको बोलते हैं विद्युत लहरी उपचार। यह ट्रीटमेंट आखिरी का ट्रीटमेंट है। जो पेशेंट ईसीटी से और दवाइयों से ठीक नहीं होता उसको हम ईसीटी दे, जो पेशेंट दवाइयों से और काउंसिलिंग से ठीक नहीं हो पाता उसको हम ईसीटी से ठीक कर सकते हैं। ये सभी ट्रीटमेंट के द्वारा हम पेशेंट को अच्छा कर सकते हैं और पेशेंट हम जैसे आप जैसे अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। ये वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके यहाँ अभी कोई डिप्रेशन से के दौर से अगर कोई गुजर रहा है तो उसको जरूर लेके आइए। हमारा हॉस्पिटल केलकर हॉस्पिटल रामदास पेट में है। वहां हम ओपीडी देखते हैं, एडमिट करते हैं पेशेंट को, वहां डिप्रेशन के पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। आज तक हजारों पेशेंट को हमने ठीक किया है, एक अच्छी जिंदगी हमको दी है। लोग आते हैं हमको धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारे वजह से डिप्रेशन के पेशेंट ठीक हुए। ये बोल के मैं मेरा ये क्लिप डिप्रेशन के ऊपर का क्लिप समाप्त करता हूँ। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं अलग अलग वीडियोस में अपलोड करने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ये वीडियो को आप लाइक करिए, ये वीडियो को आप शेयर करिए, ये वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और भी वीडियोस मिलेंगे। मैं ये वीडियोस फेसबुक पर भी डालने वाला हूँ, व्हाट्सएप पर डालने वाला हूँ, तो फेसबुक पर ये वीडियोस को लाइक करिए। धन्यवाद।